नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। प्रेमिका की हत्या के लिए रात भर जागता रहा प्रेमी, लखनऊ में सुबह से ही घर पर टिकी थी रोहित की निगाहें। मेरठ के अलावा हापुड़ बागपत पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी, एसटीएफ की जांच में मिलावट के साथ धोखाधड़ी का बड़ा खेल, 5 थानों में एफआईआर। संभल में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहन सिंह रजा का बयान सपा सांसद का साधा निशाना, बोले सफीकुर रहमान बर की विचाराधीन तालिबानी। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सिसिया सरिया लदे ट्रक से में घुसी बस, हादसे में एक की मौत, एक दर्जन घायल, दिल्ली से ग्वालियर जा रही थी। प्रयागराज सांसद को परिवार सहित जान से मारने की धमकी, मुंबई से फोन कर 50 लाख रुपए की मांगी गई रंगदारी, एफआईआर दर्ज। कौशाम्बी में रिटायर्ड फौजी को 10 वर्ष की कैद, 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। 8 साल पहले हुए मर्डर में कोर्ट ने सुनाया था फैसला। झांसी में रेड जोन के करीब पहुंचा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, 298 छूकर 241 पर पहुंचा, ओजोन जोन में भी। फतेहपुर में पराली जलाने पर 8 किसानों पर एफआईआर, 30,000 का लगाया जुर्माना, डीएम बोले किसान जागरूक बने, ना जलाएं पराली। अमरोहा के तिगरी गंगा मेले में जुटे लाखों श्रद्धालु, भक्तों को बाहर आए, गंगा किनारे बसा तबुआ का शहर, सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। प्रयागराज में गरजेंगे 1,00,000 किसान, 4 जनपदों के किसान राकेश टकेत की मौजूदगी में झलवा चौराहे पर करेंगे महापंचायत। कानपुर में रोडवेज बस पर महिला ने किया पथराव, मेरठ से यात्रियों को लेकर जा रही थी, जान बचाकर भागे पैसेंजर। सीतापुर में राज्यमंत्री ने रोका अतिक्रमण अभियान, बोले खोखे से आया हूं इसलिए दर जानता हूं, सड़क से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी टीम। कानपुर में क्लीन गंगा क्लीन सिटी की थीम पर हुई है मैराथन, ग्रीन पार्क से इस्कान तक 4 राउंड में दौड़े कानपुरवासी। खून की कमी बता प्रस्ताव को अस्पताल से किया बाहर, प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज का मामला, प्रधानाचार्य की फटकार के बाद दोबारा किया भर्ती। हाथरस में धूमधाम से मनाया गया खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव, श्याम प्रेस कंपाउंड्स में निशान चढ़ाने के बाद हुआ भव्य स्वागत। गाजीपुर में पूर्व महिला प्रधान गिरफ्तार, 2 साल से गबन के मामले में चल रही थी फरार, पुलिस ने घोषित किया था 25,000 का इनाम। कानपुर में डेंगू के बाद नॉर्मल बुखार भी परेशान कर रहा है, रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी प्लेटलेट्स हो रही है तेजी से डाउन। पीएससी क्वार्टर मास्टर पर वसूली और पिटाई का आरोप, आगरा में नौकरी छोड़ने के बाद नाई के खाते में आई तनख्वाह। सुल्तानपुर में मूक बाधित महिला से रेप, घर पर अकेले रहती थी पीड़िता, गांव के एक युवक पर आरोप, एफआईआर के बाद आरोपी की तलाश शुरू। कैदी की हत्या में 6 पर कुर्की की कार्रवाई शुरू, हापुड़ में 3 माह पूर्व पेशी के दौरान मारी थी गोली, फरीदाबाद से आया था सुनवाई।
बीएचयू हॉस्पिटल में डॉक्टर को थप्पड़ मारकर भागे, इमरजेंसी वार्ड में गाली गलौज, नाराज डॉक्टरों ने इलाज रोका। इटावा में दो स्थानों पर आग से हजारों का नुकसान, नर्मदेश्वर मंदिर परिसर में सिलेंडर और तासीपुर में तीन झोपड़ियों में लगी आग। अंबेडकर नगर में ग्रामीणों का प्रदर्शन, बोले दबंगों ने रास्ते पर कर लिया है कब्जा, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर में 15 पुलिसकर्मियों की गैर हाजिरी दर्ज, उपराष्ट्रपति आगमन के दौरान ड्यूटी पर पहुंचे लेट, डीसीपी ने दी चेतावनी। एक वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को नोटिस जारी, मुजफ्फरनगर में ईंधन के रूप में कर सकेंगे केवल बायोमास का प्रयोग। लखीमपुर खीरी में दवा लेने गई दलित युवती के साथ दुष्कर्म, झोलाछाप, डॉक्टर ने युवती से किया रेप। लखनऊ के सहादतगंज में चला है चेकिंग अभियान, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को दी गई हिदायत। हरदोई में शिव बरात के साथ ऐतिहासिक रामलीला का हुआ शुभारंभ, विभिन्न स्थानों पर जुलूस का किया गया स्वागत। लखीमपुर खीरी में महिला के साथ मारपीट मामले में मुकदमा दर्ज, उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद में बैकफुट पर आई नीम गांव की पुलिस। गाजियाबाद में सही इलाज न मिलने पर मरीज की मौत, मोदी नगर ईएसआई हॉस्पिटल का है मामला। अलीगढ़ में बाग से अमरूद उठाने को लेकर युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई, हत्या में पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर पहुंचे सतीश चंद्र शर्मा, खाद्य एवं रसद मंत्री ने किसानों की समस्याओं से रूबरू होते हुए निदान का दिया आश्वासन। संभल में डीएम मनीष बंसल एवं मुख्य विकास अधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस का किया आयोजन, समस्याओं को निस्तारण करने पर दिया जोर। पचास डॉक्टरों ने मिलकर किया लीवर किडनी ट्रांसप्लांट, केजीएमयू में पहली बार हुई है नायाब सर्जरी। 58 साल की बुजुर्ग को मिली नई जिंदगी। रायबरेली 12 साल की बच्ची की चढ़ाई गई बलि, देवोत्थानी एकादशी पर तांत्रिक ने तंत्र मंत्र सिद्ध करने को हत्या कर बोरे में छिपाया शव। औरैया में दबंगों के आगे नतमस्तक है अधिकारी, दबंगों ने बारात घर में किया कब्जा, शिकायतों के बाद भी खाना पूर्ति कर रहे हैं अधिकारी। बिजनौर में विद्युत कुटी पर गंगा स्नान मेले का हुआ शुभारंभ, मंत्रोच्चार के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किया शुभारंभ। औरैया में डेंगू को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, जिले में 50 सही अस्पताल में डेंगू के मरीजों को लेकर वार्ड का किया इंतजाम। बुलंदशहर में अस्पताल में बच्चे की मौत होने पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा, परिजन ने चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप। फरुखाबाद में गला रेतकर प्रेमी जोड़े की हत्या, हत्या के बाद एक आरोपी ने थाने में किया आत्मसमर्पण। बुलंदशहर में अभद्रता पर सफाई कर्मियों ने कोतवाली का किया घेराव, सफाई कर्मी के साथ गाली गलौज को लेकर सफाई कर्मियों में आक्रोश। गाजियाबाद में आयोजित श्रीमद भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
शहीद इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बुलंदशहर में दो पक्षों में हुई मारपीट, मारपीट में दबंगों ने की फायरिंग, फायरिंग में दो लोगों के घायल होने की सूचना। गोंडा में छापेमारी को लेकर शमीम अच्छन सत्ता पक्ष साधा निशाना, बोले सत्ता पक्ष के दबाव में की गई छापेमारी। गोरखनाथ मंदिर में सरस्वती भवन परिसर में फरियादियों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समस्या का निस्तारण का दिया आदेश। गोंडा के कर्नेलगंज नगर पालिका परिषद के ईओ की तहरीर पर पूर्व चेयरमैन सहित अन्य पर केस दर्ज, मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा करने का लगा आरोप। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने की है नगर विकास पखवाड़ा अभियान की समीक्षा, सभी निकायों के अधिकारी को दिया है दिशा निर्देश। रायबरेली में केंद्रीय रेल मंत्री ने आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री का किया है भ्रमण, मंत्री ने एसी इकोनॉमिक क्लास के कोचों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लखनऊ की व्यस्त रोड अंधेरे में नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई है सामने, कुर्सी रोड स्थित टेढ़ी पुलिया चौराहे से सेंट मैरी अस्पताल तक छाया अंधेरा। संभल अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है, हाईवे पर स्थित प्लॉट पर अवैध कब्जा करने का आरोप, पीड़िता ने एसडीएम से लगाई है न्याय की गुहार। डेंगू व संचारी रोग को लेकर फील्ड पर निकली है मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, साफ सफाई और एंटी लार्वा छिड़काव का लिया जायजा। रायबरेली के एहान गांव में स्थित मंदिर के तालाब में मिला अज्ञात युवक का शव, शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। संभल में हज कमेटी अध्यक्ष का हुआ है जोरदार स्वागत, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। ग्रेटर नोएडा में वेस्ट निराला बिल्डिंग के खिलाफ रेजिडेंट्स ने किया है प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर बिल्डर्स के खिलाफ लगाए नारे। बुलंदशहर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, शादी समारोह से लौटते समय घर जा रहा था युवक मृतक। गोंडा में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, जिले के कोतवाली कर्नेलगंज अंतर्गत पिपरी के पास हुआ हादसा। गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी की जीत, अमन गिरी ने 34,000 वोटर से सपा के विनय तिवारी को हराया। लखनऊ के कुर्सी रोड पर ठेले वालों का अतिक्रमण, कुर्सी महमूदाबाद रोड स्टेट हाईवे पर लगती है सैकड़ों फल सब्जियों के ठेले। उन्नाव में पुलिस व आबकारी विभाग के संयुक्त कार्रवाई, संयुक्त टीम की छापेमारी में 70 लीटर कच्ची शराब किया बरामद। लखनऊ में खुलेआम उड़ाई जा रही है नियमों की धज्जियां, 12 बजे के बाद भी बेची जा रही है शराब, दुकान का शटर के नीचे से बेची जा रही शराब। अचानक सिविल हॉस्पिटल पहुंचे जिलाधिकारी, डेंगू रोगियों के उपचार की व्यवस्था का लिया जायजा, उच्च स्तरीय उपचार उपलब्ध कराने के दिए हैं दिशा निर्देश। गाजियाबाद में सड़क पर पड़ी गई है नमाज, खेड़ा इलाके की फोटो आई है सामने, ट्विटर की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। मेरठ मखदूमपुर में गंगा मेले की रौनक, देव दीपावली के लिए गंगा घाटों पर पूरी तैयारियां, भक्तों के स्वागत को सज गए घाट।
बाराबंकी में एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत। सांसद उपकेंद्र बोले, पीएम का सपना राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे गांव के बच्चों की प्रतिभा। सुल्तानपुर में डेंगू की रोकथाम की बैठक में भड़के विधायक, बोले नगर पालिका की फॉगिंग मशीन खराब, मलेरिया विभाग ने नई खोली पैकिंग। शाहजहांपुर में नकदी समेत गहने चोरी, जागे होने पर फायरिंग करते हुए फरार, खेत में पड़ा मिला चोरी हुआ बॉक्सा। बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या की, मेरठ में शव को नलकूप में छिपाया, खून के निशान से हुआ खुलासा। दंडवत यात्रा पर निकले पागल बाबा पहुंचे एटा, हिंदू संगठनों ने किया स्वागत, अयोध्या में राम के मंदिर का करेंगे दर्शन। महुआ पहुंचे प्रसपा नेता शिवपाल यादव, मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव को लेकर बोले, बड़ों के फैसले का कर रहे हैं इंतजार। घाट नहीं जाएंगे, सड़क पर ही मनाएंगे देव दीपावली। बीएचयू में 576 घंटे से धरनारत छात्र, बोले दीपावली दूज और छठ भी नहीं। एटा में परचून की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत कर पाया काबू। जौनपुर में पुलिस ने रुकवाई प्रार्थना सभा, ईसाई युवक ने रखी थी सभा, हिंदू संगठनों के पदाधिकारी बोले, धन परिवर्तन का हो रहा है प्रयास। पीएम आवास योजना में अपात्रों के चयन पर बैठी जांच, अमरोहा में अपात्रों के चयन की शिकायत पर कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। शाहजहांपुर में मारवाड़ी गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार, बरेली में डकैती के 2 घटनाएं कबूली, तमंचे और कारतूस हुए बरामद। अमरोहा में ग्रामीणों का प्रदर्शन, बोले पालिका अध्यक्ष ने अपने स्वार्थ के लिए खारिज कराया प्रस्ताव, गांव में खाली पड़ी है जमीन। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं।